तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और हरसू चाचा ने भी अपनी बकरियों को खोल दिया है हवा खाने के लिए, क्योंकि गर्मियों का टाइम आ चुका है। तो हरसू चाचा भी दोनों टाइम चराने लग गए हैं। ये रही भाई हरसू चाचा की बकरियां, क्या मस्ती मार रही हैं, मस्त तरीके से भागम दौड़ी कर रही हैं, एक सामने नहीं चल रही है भाई। ये देखो कितना मस्त बकरा भी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग्स में, संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी एकदम फर्स्ट क्लास है और आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया अपने प्यार से गांव भरपूर से। और ब्लॉग की स्टार्टिंग भी शाम से हो रही है, क्योंकि आपको भी पता चली गया होगा क्योंकि आजकल भरपूर गांव में भी कौदिये गीत लग रहे हैं, तो उन्होंने भी बोल रखा है कि बस डेली आओ बल। तो चलिए, फिलहाल अभी मैं खाली हूँ तो मैंने बोला चलो चलते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और आनंद लीजिए कौदिये गीतों का, क्योंकि भाई ये भी कभी कभी सुनने को मिलते हैं, बार बार नहीं लगाए जाते, साल में सिर्फ एक ही बार लगाते हैं और बैसाख में ही लगाते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में भाई। तो चलिए भी दोस्तों मैं भी पहुंच चुका हूँ। हेलो सभी को नमस्कार मेरा, नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ जी, आप ठीक हो? और गीत लगने लगे, बहुत बढ़िया। बोलिए दादी जी, पहुँच गए सब? पहुँच गए। अरे वाह, मेरे लिए? अरे थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये देखिए भाई, इन्होंने मेरे लिए भी बचा रखा है। तो ये देखिए भाई दोस्तों, इन्होंने मेरे लिए ठंडा और बालूशाही बचा रखी है मिठाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी मेरे लिए बचाने के लिए। और अरे तू भी आ गई आज? चौकम ठीक जी, हम जी। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए भाई, मिठाई और अच्छा लग रहा है। नमस्ते दादी, और ठीक ठाक छो? और आज गीत लगना चाहिए। हाँ अभी उनमें तुम्हारे समय भी है? ये माला ये रामे सूर्य
तो दोस्तों आज आ रखे थे गीता दीदी के घर पे, तो गीता दीदी जा रखी है अंदर भाई तिजोरी में से कुछ लाने के लिए। तो आज गीता दीदी की तिजोरी भी खाली करेंगे हम। और आरुषि आरू, और यहाँ पर मिलाते हैं आपको गीता दीदी के ससुर जी से, दादाजी से। तो दादाजी ठीक हो? स्वास्थ्य पैन ठीक चा? ठीक छ ना? बल लगाना चाहिए गीत बल से, पुराना जमाना गीत है ना। हाँ क्या दिया भाई, क्या दिया गीता दीदी ने? अरे वाह, गीता दीदी बांट रही है भाई आज टोफिया। थैंक यू सो मच गीता दीदी, थैंक यू सो मच। ये देख सबको मिलेगा भाई, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। और ये रही भाई महिला मंगलधर। और अब चलेंगे हम मौसी जी के घर पे, जो हाय कर रहे हैं। ये रही हमारी मौसी जी। तो चलिए मौसी जी के घर पे मिलेंगे आप लोगों को सीधा। चला भाई आवा जल्दी जल्दी। हेलो दीदी जी भी आज ही आई माइके से भाई। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सब चल गया। आवा साहब आवा। तो यहाँ पर हमारी दादी जी भी आ रही है भाई। तो दादी जी भी अपना क्या बोलते हैं उसको, अपने बांटे का अपने हिस्से का आना है भाई गांव में घूमने के लिए, है ना। गीत नहीं लगाएंगी पर शामिल होंगी दादी जी भी। और यहाँ पर ताई जी भी आ गई है, गौशाला में जा रही है। और गौशाला में पिंडा देके भी नीचे आएंगी गाना लगाने के लिए। आए भी हाँ ऊंधा आना भी। और ये आई हमारी गीता दीदी चाची जी। और अब जा रही है गीता दीदी, उनकी हेल्प कर रही है वे गौशाला में। बाय नहीं जल्दी आए, बाय नहीं जल्दी आए। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं मौसी जी के घर पे। ये रहा हमारे मौसी जी का घर। और दोस्तों यहाँ पर सभी लोग दादाजी से मिलने जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पानी का हाल पूछने। दादाजी नमस्ते, ठीक ठाक? तो दोस्तों यहाँ पर मिली हमारी भाभी जी से, मौसी जी की बहू रानी हमारी भाभी जी। हाँ ये छोटा बच्चे भी हुई हूँ भाई, हबलट कबलट है ये गबलट बोल जरा कुछ, ये तो कुछ बोलती नहीं बहस दी है चिंच क्या क्या नाम नाम भी नहीं बसा दादा। तो भाभी जी को शादी की सालगिरह मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। इन भी भूकी भूकी, अरे यार गीता दी भूकी नहीं पिए दिल भूकी। खतरनाक चला था क्रीम खराब कर यार। बढ़िया बढ़िया चाचा साथी चाचे जाली मारू जामा को।
बहुत ही सुंदर गीत लगाया भाई यहाँ पर इन्होंने भी, और अब यहाँ पे गिलास वितरित हो रहे हैं और मौसी जी और भाभी जी की तरफ से कोल्ड ड्रिंक और नमकीन आ चुकी है। ये देखिए भाई गीता दी में नहीं दिया तिल गिलास भाई, मेरे को भूल जा रहे हो यार आप, सबसे पहले आपको देना था भूल गई, कोई बात नहीं चुस्की ठंडे की। वीडियो बनू तुम रुपए देखा, धन्यवाद दीदी धन्यवाद। मौसी जी ने बहुत ही अच्छा कर रखी है भाई सुविधा यहाँ पे डस्टबिन की भी, कि गिलास को इधर उधर मत फेंको भाई, एक कदम स्वच्छता की ओर। चलो भाई अब जा रहे हैं हम दूसरे घर में। हाँ जी बाबा। तो चलिए भाभी जी अभी चलो यहाँ पर, तब तो चलिए चलो। तो अब हम आ चुके हैं ताई जी के घर पे भाई, इन ताई जी के घर पे जो वहाँ पे बैठ रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ताई जी के घर में कितने सुंदर से फूल भी खिल रखे हैं, इनका नाम तो मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को पता होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे बॉर्डर पीछे खेला हम गए आगे मोटर पीछे का, आगे मोटर पीछे का, आगे मोटर खेला खेला, आगे मोटर तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मेघा लोगों के घर पे। सारे
राजा की बागानी बे लिंबू डाली होली ये लिंबू तुम खेलिया पर भों क्यों ना मर गईया ये लिंबू तुम खेलिया पर भों की तो दोस्तों आज आप इधर नज़र मारेंगे बाड़ियों की साइड को तो इधर भी भयंकर वाली आग लग चुकी है। तो आजकल पता नहीं लोगों को भी क्या हो रहा है, काफ़ी दिनों से आग ही लगाने पे लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मिले मुझे एरोली गांव के फौजी भाई और यहाँ पर नीरज भाई, पारस भाई और यहाँ पर हमारे फेमस ब्लॉगर राहुल भाई जी। और भाई जी कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया हैं। और आज हम संजय भाई के लिए गिफ्ट लेके आ रखे हैं, ये हमारी तरफ से गेट संजय भाई को। थैंक यू सो मच। ब्लॉगिंग लाइफ के लिए ना पावर बैंक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये भेंट हमारी तरफ से संजय भाई। अच्छा, आपकी तरफ से ये तो हमने अब क्या ही बोलूं मैं दोस्तों कुछ नहीं बोल रहा है, गूगल पे वाली भेंट है दोस्तों ये। अब बोल रहे हैं कि आप मेरी तरफ से हैं ऐसे तो हमारे राहुल भाई। और कैसा रहा था आपका दिल्ली का सफर? दिल्ली से लेके आया हो ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। भारी तो नहीं हुआ? अरे कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपए गूगल पे कर देना है किराए किराए किस चीज का जब आपकी तरफ से? तो हाँ, तो मतलब आपने कहा ना मैं गूगल पे वाली भेंट है, तो फिर अगर गूगल पे वाली भेंट है तो 200 रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी है तो फ्री में रखो। चलो ठीक है, आपकी है भाई, चलो फ्री में ही रखते हैं। बिल्कुल। अब क्या बोलूं मैं दोस्तों को, छोड़ो। अब राहुल भाई की तरफ से भाई फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट से वो मेरे लिए ये ही लाए है। फर्स्ट से ही लेके आया हूँ। किस सेकंड से लाए हो? नहीं नहीं, फर्स्ट से लेके आया हूँ। मैंने पहले ही रख दिया था फर्स्ट वाले में से, सेकंड वाली तो मैंने कब खर्ची दी मेरे को पता नहीं चला। चलो ये सब छोड़ो, और आपको कैसा लग रहा था गांव में आके, मतलब दिल्ली कैसा लगा, यहाँ कैसा रहा? अरे गांव में तो जो सुकून है ना वो कुछ अलग ही है, लिटरली बोल रहा हूँ। दिल्ली दिल्ली है और गांव गांव है, यानी गांव तो जन्नत है। सही बात है, अपनी जन्नत में आ गए वापस, इससे सौभाग्य साली चीज कुछ है ही नहीं। सही बात कहा आपने, हमें भी बहुत इंतजार था कि कब आए हमारा राहुल भाई, और आप कब के आ चुके हो और ये कितने दिन में आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि आप यहाँ आए, क्या बोलते हैं, कदोला आए, पर वहाँ से आपकी खुट्टी जरा उन्हें करने सर की, तो कहाँ से यही तो होगा फिर। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका ये सब लाने के लिए भाई। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर आग देखो भाई कितनी खतरनाक तरीके से लगी है, ये देखो भाई, बाप रे बाप क्या लपटे आ रही है, भयंकर लग गई भाई ये आग तो।